गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जब भी बेरियाट्रिक सर्जरी की बात करते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है क्या। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी उन लोगों में हम करते हैं जिनको डायबिटीज़ 10 साल से ज़्यादा है या जो इंसुलिन पे चले गए हैं। उन लोगों के अंदर बाईपास सर्जरी बहुत इफेक्टिव होती है। दो तरह की बाईपास सर्जरी होती है, एक के अंदर हम दो जोड़ बनाते हैं जिसको हम रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं, और एक के अंदर एक ही जोड़ होता है जिसको मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं। दोनों के अंदर हमारा ये एम होता है कि 180 से 200 सेंटीमीटर सीधा आगे पेट से खाना चले जाए। उससे क्या होता है कि बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, GLP-1 पेनक्रेटिक YY1, जिनका फंक्शन इंसुलिन की तरह होता है और जो आपकी चर्बी को जलाते हैं। ऊपर से आपकी डाइट भी स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स की तरह कंट्रोल्ड हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक बारी में ले लेते हैं तो आपको डायरिया हो जाता है। बॉडी बताती है कि आप फास्ट ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, इसको धीरे धीरे लें और कम कम लें एक बारी में। तो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप खुद ही बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, या फिर बाईपैप या सीपैप लेते हैं स्लीप एपनिया की वजह से, सारी हार्मोनल डिजीज़ हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स उससे काफ़ी हद तक क्योर हो जाती हैं। काफ़ी लोगों की दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं, कुछ लोगों की दवाइयाँ कम हो जाती हैं, काफ़ी लोगों के पंप बिल्कुल हट जाते हैं, कुछ लोगों का प्रेशर कम हो जाता है और कुछ टाइम बाद उनका पंप भी हट जाता है। तो आप ज़्यादा सोचें नहीं, बेरियाट्रिक सर्जरी एक मेटाबॉलिक सर्जरी है, इसके बारे में सोचें, एक एक्सपर्ट से मिलें। ओबेसिटी एक टिकिंग टाइम बम है, उसको फटने की देर ना करें। आकर फटाफट अगर आप क्राइटेरिया में आते हैं, सर्जरी करा के हेल्दी हो जाएं, फिट हो जाएं और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वापस सोसाइटी के अंदर जाएं। थैंक यू वेरी मच।